हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार मौर्य। मैं आज आप सभी को टीचर्स डायरी कैसे बनाई जाएगी उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। सबसे पहले जो आप हॉलीडे या मतलब जो अवकाश होंगे यहाँ पर लिखेंगे, जिन्हें दिन का 7 दिन का आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं तो उसी में लिखा जाएगा। फिर जो अवकाश होंगे उसकी डेट पड़ेगी और जिस दिन क्या था वो लिखेंगे। उसके बाद आता है टीचर्स का, आप टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें कॉमर्स था और हिंदी था। टीचिंग सब्जेक्ट जो होती हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ही कॉमर्स या हिंदी, इसमें से दो सब्जेक्ट आपके पास जो हो वो आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे किसी का होता है SST हिंदी, तो सबसे पहले कॉमर्स वाले में SST लिखेंगे और हिंदी वाले में हिंदी लिखा ही है। और जिसका जैसे फिजिक्स है, जियोलॉजी है या बॉटनी है, मतलब तो अपना अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे। फिर आगे दूसरे पेज में चल रहा हूँ। विभाग एवं संस्था के द्वारा निर्देश, आपने जिसे जो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कॉमर्स में क्या हो सकता है, हिंदी में क्या है, कैसे व्यवस्थित करना है, जैसे कक्षा को कैसे व्यवस्थित करना है, क्या करना है, ये सब आप बता सकते हैं। बाकी आपको जहाँ पर समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ है आप सभी को फाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जो टॉपिक या फाइल मैंने अपलोड की है उससे रिलेटेड आप बना सकते हैं कि किस प्रकार से बनेगी, ये आपको कंफ्यूज तो ना हो, इससे आप बना सकते हैं। बाकी सब सेम साइज डायरी होती है, आप सिर्फ इसी से कॉपी कर सकते हैं। अगर सेम है तो आप कॉपी कर लीजिए, बाकी इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपकी क्लास में सब बताया जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो चल रही है पूरा, आप एंड तक जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बीएड की सभी फाइल इस आनंद LMP पे पड़ जाएंगी। आनंद LMP पे सभी फाइल उपलब्ध हैं, आप सभी फाइल बना सकते हैं। जो फाइल आपको ना मिले वह बीएड फाइल्स अदर फाइल्स में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अदर फाइल में बीएड की जो फाइल पड़ी हुई हैं सभी फाइल पड़ी, लेसन प्लान की अलग प्लेलिस्ट है, बाकी बीएड की सभी अदर फाइल में आप चले जाएंगे उसमें पड़ी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।